बेटे ने कहा था, माँ मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन घर आई बेटे की लाश। मेजर केतन शर्मा, जो हाल ही में छुट्टी बिताकर कश्मीर लौट रहे थे, एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले मेजर केतन शर्मा ने एक आतंकी को मार गिराया। मेजर जिस हमले में शहीद हुए वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई। आज उनका शव उनके पैतृक घर पहुंचा, जिसको देखकर किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। बदहवास हालात में उनकी बूढ़ी माँ बार बार अपने शेर बेटे को याद कर रही थी। शहीद केतन शर्मा मेरठ के थाना कड़कड़खेड़ा के रहने वाले थे। यहाँ की श्रद्धापुरी कॉलोनी में जब उनके घर पर उनकी शहादत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। 29 साल के केतन ने परिवार से वादा किया था कि वो जल्द ही घर वापस आएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। शहीद केतन शर्मा का पार्थिव शरीर मंगलवार को दिल्ली लाया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें, कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को एक मकान के अंदर 3 आतंकवादी घुस गए थे, जहां मेजर केतन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान फायरिंग में केतन घायल हो गए। केतन की टीम ने तीनों आतंकवादियों को तो मार गिराया, लेकिन इलाज के दौरान केतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।